बेसिकली हमारी जो मुलाकात हुई थी वो एक नॉलेज पर्पज़ से हुई थी। मैं वैसे ट्रैवल ब्लॉग्स करता था तो मैं ईरान के बारे में जानना चाहता था, तो हमारी बातचीत होती रही। बट फिर होते होते धीरे धीरे होते हुए फिर वो बातचीत जो है वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई, और मुझे पता ही नहीं लगा वो कब जो है प्यार में तब्दील हो गई। तो मतलब एक अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मेरा ना फायजा से हो गया था, और उसका भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फायजा ने ये बात अपने घर पे रिवील कर दी कि मैं ऐसे ऐसे एक इंडियन लड़का है और उससे प्यार करती हूँ। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ़ हो गए थे कि हाँ ऐसा नहीं, कैसे है तुम इंडियन का, क्या वो आएगा नहीं आएगा, क्या पता वो तुम्हें धोखा दे रहा हो। कहते हैं ना, प्यार में किसी का जोर नहीं चलता, दो देशों की सरहदें भी मिलने से रोक नहीं सकती। ये बात ईरान की फैजा और यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले दिवाकर कुमार पर एकदम फिट बैठती है। इस लव स्टोरी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। ईरान की रहने वाली 24 साल की फैजा 20 दिन के वीजे पर अपने पिता के साथ भारत आई है और मुरादाबाद के यूट्यूबर दिवाकर के यहाँ रह रही है। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, इसके बाद प्यार हो गया, अब दोनों ने सगाई कर ली है। फैजा से सगाई के बाद दिवाकर बेहद खुश है। फैजा ने ईरान की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है, जैसे ही भारत की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी दोनों शादी कर लेंगे। तो आज से 3 साल पहले मेरी जो है मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम के थ्रू फायजा से, जो ईरान की रहने वाली है। उसके बाद बेसिकली हमारी जो मुलाकात हुई थी वो एक नॉलेज पर्पज़ से हुई थी। मैं वैसे ट्रैवल ब्लॉग्स करता था तो मैं ईरान के बारे में जानना चाहता था, तो हमारी बातचीत होती रही। बट फिर होते होते धीरे धीरे होते हुए फिर वो बातचीत जो है वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई, और मुझे पता ही नहीं लगा वो कब जो है प्यार में तब्दील हो गई। तो मतलब एक अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मेरा ना फायजा से हो गया था, और उसका भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और फिर फायजा की जो है शादी की बात चल रही थी घर पे, तो फायजा ने ये बात अपने घर पे रिवील कर दी कि मैं ऐसे ऐसे एक इंडियन लड़का है और उससे प्यार करती हूँ। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ़ हो गए थे कि हाँ ऐसा नहीं, कैसे है तुम इंडियन का, क्या वो आएगा नहीं आएगा, क्या पता वो तुम्हें धोखा दे रहा हो। तो फायजा ने मुझसे कहा ये बात, तो मैंने कहा मैं आऊँगा, क्योंकि उस टाइम मैं भी जॉब पे था, मैं भी एक बॉन्ड के उसमें था कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था। फिर मैंने सिर्फ इसीलिए कि फायजा से जाके मैं ईरान में मिलूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैंने जितनी भी मेरी सेविंग्स थी सबको लगा के अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, ओपन किया यूट्यूब चैनल। और पहले मैं यूट्यूब पे ट्रैवल व्लॉग्स करता था, उसके बाद फिर मैं वो उसी सेविंग से ईरान पहुंच गया। मैं फ़ाइज़ा से मिला और फिर उसकी फैमिली से मिला। स्टार्टिंग में तो फैमिली को मेरे को मतलब जो मैं ईरान का एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, बट वो बिल्कुल ही चेंज था। मतलब वो ये समझ लीजिए जो मेरी बियर्ड है, वहाँ पर लोगों की बियर्ड भी नहीं होती, तो जो मेरी बियर्ड थी वो उनको बहुत ऑड लग रही थी कि क्यों इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको करा दूंगा, तो ये थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन था एक लुक्स को लेके, और लेकिन उन्होंने बाद में मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। मैं वहाँ पे हॉस्टल में रुका और उन्होंने आराम से मेरी, मतलब इरानियंस जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं इंडियंस को, मतलब हद मानते हैं। आप अगर आप कह देंगे ना मैं हिंदुस्तानी हूँ तो आपके बैग चेक नहीं। फैजा धर्म से मुस्लिम है और दिवाकर हिंदू, लेकिन धर्म दोनों के प्यार में आड़े नहीं आया। ये चीज़ उनकी पेरेंट्स की तरफ से मुझसे पूछी गई थी कि तुम्हारी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है इस बात से। और मुझे और फायजा, मेरे और फायजा का ऐसा है कि जो हमारे बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल बिलीव्स है हमारे, ऐसे नहीं है बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल बिलीव्स है। और मैं कभी भी रिलीजन को लेकर कोई इशू नहीं आया, और हमने हमेशा जो है इंसानियत को पहले प्रेफरेंस दी है। आपके रिलेशन को कितना टाइम हो गया है? सब मेरे रिलेशन को 3 साल हो चुके हैं, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। और लास्ट ईयर में गया था ईरान 2023 और जुलाई में। फाजिया इंडिया आई हुई है, जी 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 तो क्या लगता है इंडिया रहेंगी, कैसे क्या रहेगा, क्या क्या आपने अपने बाप की बात हुई? सर जो देखिए, मेरी फैमिली भी चाहती है कि फायजा इंडिया रहे, मैं भी चाहता हूँ फायजा इंडिया रहे, क्योंकि जो मेरा पूरा जो काम है वो वर्क है वो पूरा इंडिया में है। मैं वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ मुझे ईरान बहुत पसंद है। मैं ऐसे नहीं है कि मैं ईरान में नहीं रहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 महीने 3 महीने ईरान में रहूँ, लेकिन मैं
इंडिया में रहना चाहता हूँ और फायज़ा के साथ रहना चाहता हूँ। फायज़ा का तो मन है ईरान में रहने का, लेकिन वो यहाँ पे रहेगी तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से जो है अपना फ्यूचर जो है बना पाएंगे। फाजिया का बेसिक जॉब क्या क्या करती क्या? फायज़ा वैसे तो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो, और उसके बाद वो जॉब करना चाहती हैं आगे, तो वो जॉब तो इंडिया में भी कर सकती हैं इजीली, और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब मुझसे भी बहुत अच्छी है, तो उनको आराम से यहाँ पे कोई भी जॉब मिल जाएगी। आपकी फैमिली फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? सर मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब जो हैं वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजर रहे थे, उससे पहले वो ऑडिटर थे लखनऊ में, और फिर 21 में डिमाइस हो गए थे। उसके बाद से फिर जो है मेरे ब्रदर ने, मतलब मेरा ब्रदर ही घर के बड़े रहे, वो देहरादून में जॉब करते हैं, और बहन है मेरी चार, वो सब अपने शादी वादी करके अभी हैं। एक यानी एंगेजमेंट हो गई है, शादी का क्या प्रोग्राम है, कब सर होगा? शादी का देखिए जो लीगल प्रोसेस है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम शादी की रस्म भी कर लेंगे। फैजा अभी हिंदी बोलना नहीं जानती, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। भारत आकर फैजा बेहद खुश दिखाई दी। Familiar with each other through social media, and it was around about I think 3 years ago, more, yeah, 3.5 years ago, yeah, three. फैजा अयोध्या में राम लला के दर्शन करने जाएंगी। वो इतिहास की छात्रा हैं, इसलिए उन्हें इतिहास को जानने में काफी रुचि है। दरअसल अयोध्या वो बहुत बड़ा एक, मतलब वर्ल्ड इशू है, नेशनल इशू नहीं है, वर्ल्ड इशू है, और मतलब और उसके बारे में उन लोगों ने बहुत सुना है, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स में भी चला है, इवन सब जगह चला है। तो मैंने फायज़ा को बताया था कि हाँ ऐसा है, एक मंदिर है अपना सनातन से, तो फायज़ा ने जैसे एक मोन्यूमेंट को देखना होता है कि हाँ मुझे ताजमहल देखना है, हाँ मुझे लाल किला देखना है, तो फायज़ा ने कहा कि हाँ मुझे भी राम मंदिर देखना है, और देखना है कि एग्जैक्टली वहाँ पे है क्या, क्योंकि फायज़ा क्या है उसको नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है कि हाँ हिस्ट्री की नॉलेज ऐसी, और वो स्टूडेंट भी इसी की है, तो वो ये सब जानना चाहती है। फैजा के प्यार में मुब्तला हो चुके दिवाकर ने ये भी बताया कि फैजा की ईरान की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और LIU में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए गए हैं। जैसे ही भारत की कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी वो दोनों शादी कर लेंगे। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।